हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमन क्लेचर में ही उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स में एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि सारे स्ट्रक्चर्स में क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत सारे, यानी कि पॉली फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब सारे ही स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो मतलब एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम ऐसे जो भी फंक्शनल ग्रुप है या ऐसे कंपाउंड का हम आज नेमिंग करने जा रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप हम लेंगे। इसमें चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या हो जाएंगे, एक तरह से जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल COOH हो गया चेन टर्मिनेटिंग, CHO हो गया, CN हो गया, इसके अलावा COCl हो गया, तो ये एटसेट्रा, ये क्या होंगे, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स की तरह वर्क करते हैं। तुम्हें पता होगा जब हम स्टार्टिंग करते हैं कहीं से भी नेमिंग, और एक जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो कि मैं ऑलरेडी पहली क्लास में, इससे पहली वाली में डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो उनमें से जैसे प्रेफरेंस के ऑर्डर में हम किसको लेते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले स्ट्रक्चर में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा, एक ही है, CHO एंड CHO, एक ही टाइप का है, पर यहाँ पर दो हैं, ठीक है। CHO के दो फंक्शनल ग्रुप है, यानी इधर भी CHO है और इधर भी CHO है। तो इस टाइप का जब भी स्ट्रक्चर आ जाए और हमें नेमिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से लेंगे कि दोनों जो है एंड पर, ठीक है, दोनों टर्मिनल एंड पर क्या आए, ये ही ग्रुप आए, यानी स्टार्टिंग भी इसी से हो और एंड भी इसी से हो, यानी स्टार्टिंग में भी यही आए जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और एंड में भी यही आए, यानी दोनों टर्मिनल एंड पर क्या आए, CHO CHO आए, भले से ही इससे लंबी चेन प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, इससे लंबी ये वाली स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, यानी फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए इनिशियल में भी और लास्ट में भी, चाहे चेन छोटी हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम करते हैं यहाँ पर नंबरिंग। जब नंबरिंग करते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं, चाहे इधर से करो या इधर से करो, ये जो ग्रुप है यानी जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो सेकंड पोजीशन पर ही आएंगे, ठीक है, सेम ही आएगा। तो यहाँ से कर देते हैं नंबरिंग, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम करते हैं इसकी नेमिंग। नेमिंग में हम क्या देखते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, कितने कार्बन की हमारी मेन चेन हो गई, जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन, वो हो गई 1 2 3, 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, और सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर लगे हुए हैं। और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है प्रोपाइल और एक है इथाइल। पहले कौन आता है, ई या पी, पहले आता है ई। तो पहले हम इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो सेकंड पोजीशन पर है इथाइल, 2 इथाइल प्रोपाइल, ठीक है, वो भी सेकंड पोजीशन पर है, 2 प्रोपाइल। देन अब कितने कार्बन की ये चेन है, 3 कार्बन की, उसके लिए लेते हैं प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, एन आएगा यहाँ पर, क्या, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है। अब फंक्शनल ग्रुप दो हैं, यानी सेकेंडरी सफिक्स दो हैं, तो इसके लिए लेंगे डाय, और इस रूल में क्योंकि दोनों टर्मिनल पर क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है, अंडरस्टूड है ये चीज याद रखनी। तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट और थ्री पोजीशन पर क्या है, CHO CHO की पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोपेन डायनल, यहां पर एन लगाएंगे अल से पहले, इसके लिए तो हम क्या लेते हैं, AL अल लेते हैं CHO के लिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया,
इथाइल, टू प्रोपाइल, प्रोपेन, डाइनल। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। अब हम स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, मेन जो हैं, और भी हैं, दो से ज्यादा कीटो भी प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन जब हम इसका वरीयता क्रम देखेंगे, यानी प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे, जो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, उसमें क्या आएगा, COH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि दो COOH दिए हुए हैं, तो दोनों एंड पर क्या आना चाहिए, COOH आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में, एक एंड पे ये, एक एंड पे ये। अब बात आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग में अगर हम देखेंगे, मान लो हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो यहां पर सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। लेकिन क्योंकि COOH से कम किसका प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाएगा, कीटो का। ठीक है, और यहां से अगर नंबरिंग करें तो सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, कीटो ग्रुप आ रहा है। तो हम मिथाइल के कंपैरिजन में किसको प्रेफरेंस देंगे, कीटो को। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से कीटो पास आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई, क्या दोनों एंड पे क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, दोनों एंड पर प्रेजेंट है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां पर ज्यादा प्रेफरेंस वाला ग्रुप प्रेजेंट है इससे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इनके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रुप लगे हैं, सब किस में आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे तीन टाइप के हैं, दो कीटो है यानी एक टाइप हो गया, एक हाइड्रोक्सी है और एक मिथाइल है। अब इन तीनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो H पहले आता है K से, यानी हाइड्रोक्सी का नाम हम पहले लिखेंगे, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अब ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, थ्री पोजीशन पर आ रहा है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा थ्री हाइड्रोक्सी, क्योंकि जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे, किसको, OH के लिए। अब आते हैं K और M में कौन पहले आता है, K पहले आता है। तो अब क्योंकि डाई कीटो है, यानी दो कीटो है, एक सेकंड पोजीशन पर है और एक फोर्थ पोजीशन पर है, तो लिखेंगे 2 4 डाई कीटो। अब इसके बाद आते हैं मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर है, तो 5 मिथाइल। कितने कार्बन की ये चेन है, 6 कार्बन की ये चेन है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हेक्सेन, एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 6 कार्बन के लिए हेक्स। और क्योंकि यहाँ पर दो क्या है, ओएक एसिड, यानी दो कार्बोक्साइलिक एसिड हैं, इनके लिए जो हम क्या लेते हैं, सेकेंडरी सफिक्स एज यूज कर रहे हैं, वो लेते हैं ओएक एसिड, तो हेक्सेन डाई ओएक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। आई होप यहां तक इसका नाम आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो भी हमारी चेन है उसमें दोनों एंड पर फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, सेम वाला, जो लाइक वाले की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आ गया जब एक से ज्यादा एक तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ दो हैं ये COOH, इसलिए एक एंड पे और दोनों, यानी दोनों एंड पे क्या आना चाहिए, COOH आना चाहिए। अब करेंगे हम नंबरिंग। अब नंबरिंग जब करते हैं तो दोनों तरफ से जब नंबरिंग देखते हैं, तो क्योंकि कीटो का प्रेफरेंस ज्यादा है किससे, मिथाइल से, तो सेकंड पोजीशन पर कीटो आना चाहिए, इसलिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब नेमिंग तो मैंने बता दी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसके हिसाब से उनका नाम रखेंगे। ठीक है, और बाद में क्या आ जाएगा, क्योंकि दो COOH ग्रुप हैं तो डाई ओइक एसिड, इनकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एंड पर COOH प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, डाई हमने इसको मेंशन कर दिया है कि दो हैं।
आई होप यहाँ तक इसकी नेमिंग क्लियर होगी आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीओ सी एल दिया हुआ है। दो सीओ सी एल ग्रुप है हमारे पास में, दो फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है। तो ये वाला तो मेन चेन में ही काउंट होगा। दोनों एंड पे क्या आना चाहिए, सीओ सी एल आना चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड कार्बन पर अगर हम नंबरिंग का देखें क्या पैटर्न होना चाहिए। तो हाइड्रोक्सी किधर से पास पड़ रहा है, इधर से। यहाँ पर कुछ नहीं है सेकेंड पोजिशन पर, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, इधर से नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे, यानी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ पर क्या काउंट होगा, ये हाइड्रोक्सी। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेफरेंस वाला ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, 2-hydroxy। अब ये कितने कार्बन का चेन हो गया, 4 कार्बन की चेन हो गई। तो 4 कार्बन के लिए लेते हैं ब्यूट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है इस चेन में जो भी लगे हुए हैं। तो एन लेंगे ब्यूटेन, और क्योंकि दो क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है तो डाई हो गया, और इसके लिए हम क्या लेते हैं, ओइल एसिड। ओके, ओइक एसिड से क्या आता है, नॉट एसिड, ओइक एसिड से क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड इसका जो भी नेम होगा जब आईयूपीएसी लिखते हैं। तो डाई यहां पर एक एन और आ जाता है, डाइनोइल क्लोराइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2-hydroxybutane-dinoyl chloride। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो भी ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है इनकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों टर्मिनल पर लगे हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कार्बन की चेन बनेगी, क्योंकि दोनों के जो एंड पर सी एन सी एन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम नंबरिंग देखते हैं यहाँ पर कहाँ से करेंगे। 1, 2, 3, 4 फोर पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1, 2, 3, 4 इधर से भी फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो किधर से भी कर दो सेम ही आएगा। तो सपोज करो हम इधर से स्टार्ट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पे लगे हुए हैं, फोर्थ नंबर के कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि दो हैं तो यहां पर लिखेंगे 4-4-dimethyl, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एंड 7 कार्बन की ये चेन है तो हेप्ट। जो भी चेन के कार्बन है सबके बीच में आपस में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड क्योंकि दो क्या है ग्रुप है नाइट्राइल ग्रुप, तो डाई CN के लिए यूज करते हैं नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा 4-4-dimethylheptane-dinitrile। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को कि कैसे IUPAC नेमिंग जो है करनी है उन कंपाउंड की जिनमें एक से ज्यादा एक तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हो और दोनों एंड पर लगे हुए हों। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। जब दो से ज्यादा एक तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर एक तरह के जो ग्रुप है वो दो से ज्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में जो भी सिमिलर ग्रुप है वो एक से दो से ज्यादा प्रेजेंट हो। जब दो थे तब तो हम उन्हें टर्मिनेटिंग एंड पर उस तरह से ले ले रहे थे, अब जब दो से ज्यादा प्रेजेंट हो तो अब हम देखेंगे कि हमें दो ही लेने हैं कैसे चेन में, यानी कि जो मेन चेन हम लेंगे, जो पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करेंगे उसमें दो आने चाहिए टर्मिनल पर, एक शुरू में और एक बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट कैसे करना है वो देखो, यहां से अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये 4 कार्बन की चेन बनेगी। ठीक है, अगर हम यहां से सेलेक्ट करते हैं कि 1, 2, 3, 4 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, यहां से सेलेक्ट करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। ठीक है, ये भी इधर से 1, 2, 3, 4
ऐसे ही होगा जैसे कि इधर की साइड में है। और अगर हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो हम इधर से सेलेक्ट करते हैं, इधर से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितने कार्बन की चेन बैठेगी? 6 कार्बन की। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बैठ रही है? 6 कार्बन की। किसके साथ में? दोनों एंड पर क्या है? ये दोनों एंड पर क्या लगे हुए हैं? CHO ग्रुप लगे हुए हैं। यानी कि जो मेन पेरेंट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन बैठ रही है, वो 6 कार्बन की बैठ रही है। इसके अलावा दोनों एंड पर, ठीक है, क्या लगे हुए हैं? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यहां तक ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा जो बाकी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो क्या, मतलब किस तरह से यूज होंगे? वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करेंगे। और जो पेरेंट चेन में है, यानी मेन चेन में है, जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन या मेन चेन, वो क्या होंगे? एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इधर से भी सेम आएगी, आप करके देखोगे तो इधर से भी सेम ही पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। तो नंबरिंग हमने कर दी है, अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, CHO, CHO, और इसको हम लेते हैं फॉर्माइल। इसके लिए जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, ठीक है, यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होता है, तो इसके लिए नाम लेते हैं हम फॉर्माइल। अब ये कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर है, तो यहां पर लिखेंगे 3,4-डाइफॉर्माइल, डाइफॉर्माइल। अब ये कितने कार्बन की चेन होगी? 6 कार्बन की चेन होगी, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, क्योंकि चेन के कार्बन कार्बन के बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने ग्रुप हैं? दो हैं, दोनों एंड पर हैं, तो हमें इनके लिए क्या नहीं करने की जरूरत है? पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3,4-डाइफॉर्माइल हेक्सेन डायनल इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखते हैं, सबसे लंबी अगर हम चेन देखें तो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन की बैठेगी, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर भी दो से ज्यादा COH एक तरह के ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हम एक चेन इस तरह से लेंगे कि दोनों एंड पर क्या आने चाहिए? सेम ग्रुप आने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो जाएगा। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बैठेगी? ये वाली 1, 2, 3, 4, 5। ये वाली तो 4 कार्बन की ही बैठेगी, ये वाली बैठेगी 5 कार्बन की। कुछ नहीं करना, बाकी जो बचा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अब काउंट होगा। अब इसके बाद में जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पर है? वो थर्ड पोजीशन पर है। तो COOH एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब यूज होता है तो इसके लिए हम नाम क्या लेते हैं? कार्बोक्सी। अब ये कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 3-कार्बोक्सी। इसके बाद में कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के लिए लेते हैं पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन में है उनमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है आपस में, तो पेंटेन, और क्योंकि 2 कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप है तो डाई, और इसका नाम क्या हो जाता है? ओइक एसिड। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया? 3-कार्बोक्सी-पेंटेन-डाइओइक एसिड। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है यहां पर आप देख सकते हो, जो इसका नाम है वो क्या है? यहां पर कैसे लिखेंगे हम जब इसकी नेमिंग करेंगे? सिमिलर इसी की तरह स्ट्रक्चर है, यहां पर भी ऐसे ही हम नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन की चेन बनेगी और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा हमारा? इसका नाम क्लोरोफॉर्माइल, इसका नाम होता है COCl का जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है। कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, तो 3-क्लोरोफॉर्माइल
फॉर्माइल, कितने कार्बन की चेन है? पांच कार्बन की चेन है, तो पेंट इन डाई, इसके लिए क्या लेते हैं? ऑयल क्लोराइड, डाइनोइल क्लोराइड, इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम हो गया। आई होप यहां तक जो भी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं वो क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आईयूपीएसी नेम से अलग ज्यादा कन्वीनियंट एक नेम होते हैं इस तरह के कंपाउंड के, जिनको बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम बोलते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, तो हम जब इस तरह के, यानी कि दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है एक ही तरह का, तो उसका नाम इस तरह से, यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम में कैसे लिखेंगे वो मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर सेम इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम जब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम लिखते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप जो आते हैं हमारे, यानी यहाँ पर तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, इसको मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं। इनको एज अ किस तरह फंक्शनल ग्रुप ही हम काउंट करेंगे, जैसा कि हम अब तक करते हुए आए हैं। यानी ये एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट होंगे जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही तरह के हैं, COOH है, तो प्रायोरिटी की तो जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं हम क्या नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि इक्वल ही पोजीशन पर है तो यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। इसमें हम क्या नहीं काउंट कर रहे, फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जब नेम लिख रहे हैं तो 1 2 3 इधर से करोगे तो भी सेम आएगा, इधर से करोगे तो भी सेम आएगा, तो हम इधर से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री, यानी 1 2 3, तीन पोजीशन पर क्या है ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राई। ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि ये नॉट ट्राई 1 2 3, क्योंकि तीन कार्बन की चेन है तो प्रॉप पेन, ओके, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 प्रोपेन, और तीन क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहां पर लिखेंगे ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड, यहां पर इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्साइलिक एसिड, क्योंकि हम मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका नाम लिखते हैं, इनको मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, यहां पर इधर से भी और इधर से भी सेम ही नंबरिंग आएगी। ठीक है, तो 1 2 3 तीन पोजीशन पर क्या है, 1 2 3 तीन कार्बन की चेन है तो प्रॉप एन और ट्राई, क्योंकि तीन फंक्शनल ग्रुप है तो ट्राई, और इसके लिए नाम क्या हो जाएगा CN के लिए, कार्बोनाइट्राइड, क्योंकि हम इसे मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम आप लोगों को बताना है, इसका नाम लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस स्ट्रक्चर का केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि क्या होंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।